सीपीसी 1908 एक्ट नंबर 5 इस पे इसको इसका कमेंसमेंट 1 जनवरी 1909 है और इस पे सिग्नेचर हुए थे 21 मार्च 1908 को, और इसको इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया है 31 अक्टूबर 2019। इसमें टोटल सेक्शन 158 है, इसको टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टोटल ऑर्डर इसमें 51 है, टोटल ऑर्डर 51 है। फिर इसको पार्ट वन बात करता है सूट इन जर्नल सेक्शन 9 to 35B, पार्ट टू बात करते हैं एग्जीक्यूशन सेक्शन 36 to 74, पार्ट थ्री बात करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 to 78, पार्ट फोर बात करता है सूट इन पर्टिकुलर केसेस सेक्शन 79 to 88, सेक्शन पार्ट फाइव बात करता है स्पेशल प्रोसीडिंग सेक्शन 89 सेक्शन 90 to 93 सेक्शन, फिर पार्ट सिक्स बात करता है इसमें सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो कि सेक्शन 94 एंड 95 है। पार्ट सेवन बात करता है इसमें अपील जो 96 to 112 है। फिर पार्ट एट बात करता है रिवीजन रिव्यू और एन एप्लीकेशन 120 से लेकर 115। फिर पार्ट इसमें नाइन बात करता है स्पेशल प्रोविजन टू हाई कोर्ट जो कि 116 से लेकर 120 है। फिर पार्ट 10 बात करता है रूल्स 121 से लेकर 131 है। फिर पार्ट 11 बात करता है मिसलेनियस 131 से 132 से लेकर 158। फिर इसमें सेक्शन वन बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, पार्ट टू बात सेक्शन टू बात करता है डेफिनेशन क्लोज में 21 कोर्ट 22 डिग्री 23 डिग्री होल्डर 24 डिस्ट्रिक्ट 25 फॉरेन कोर्ट 26 फॉरेन जजमेंट 27 गवर्नमेंट लीडर 27 ए हाई कोर्ट 27 बी इंडिया 27 एट जज 29 बात करता है जजमेंट 210 बात करता है जजमेंट डेटर 211 लीगल रिप्रेजेंटेटिव 212 मेंस प्रॉफिट 213 मूवेबल प्रॉपर्टी 214 ऑर्डर 215 प्लीटर 216 प्रिस्क्राइब 217 पब्लिक ऑफिसर 218 बात करता है रूल्स 219 बात करता है शेयर इन कॉपरेशन और 220 बात करता है इसमें साइन, और सेक्शन 3 बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 4 बात करता है सेविंग, सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड, सेक्शन 6 बात करता है प्रोविजनल स्मॉल कॉलेज कोड, सेक्शन 8 बात करता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉलेज कोड, सेक्शन 9 बात करता है जब तक वर्जित न किया जाए तब तक न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा, सेक्शन 10 बात करता है वाद का रोक दिया जाना, सेक्शन 11 बात करता है रेस ज्यूडिकाटा, सेक्शन 12 बात करता है बार टू फर्दर सूट, सेक्शन 13 बात करता है विदेशी निर्णयों के कब निश्चय नहीं होगा, सेक्शन 14 बात करता है विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा, सेक्शन 15 बात करता है वाद किन न्यायालयों में संधित किए जाएंगे, सेक्शन 16 बात करता है वाद वहां संधित किया जाएगा जहां पर विषय वस्तु स्थित है, सेक्शन 17 बात करता है वाद वहां संधित किया जाएगा जहां स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थावर संपत्ति स्थित है, सेक्शन 18 बात करता है जब न्यायालयों की आधिकारिकता अनिश्चित हो तो वादों को संधित करने का स्थान, सेक्शन 19 बात करता है शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकारात्मक रूप से वाद, सेक्शन 20 बात करता है वादों को वहां संधित किया जाएगा जहां पर प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा हुआ, सेक्शन 21 बात करता है ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिडिक्शन, सेक्शन 21 ए बात करता है वादों को वहां संधित करने के स्थान के बारे में आशय या डिग्री को पास कराने के लिए वाद का वर्जन, सेक्शन 22 बात करता है वादों का जब न्यायालयों की आधिकारिकता के वादों जब न्यायालय के अधिकारिक जब अन्य न्यायालयों की आधिकारिकता के भीतर वाद संधित किया जा सकता है तो उसको अंतरित करने की शक्ति, सेक्शन 23 बात करता है कोर्ट को एप्लीकेशन, सेक्शन 24 बात करता है अंतरण और प्रत्यारण करने की शक्ति, सेक्शन 25 बात करता है अंतरण करने की हाईकोर्ट की शक्ति, और सेक्शन 26 बात करता है वादों का संधित किया जाना, सेक्शन 27 बात करता है प्रतिवादी को समन, सेक्शन 28 बात करता है
सेक्शन 28 बात करता है जब विदेशी राज्यों में समन की तामील, सेक्शन 29 पर बात करता है जब डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए ऑर्डर देने की शक्ति, सेक्शन 30 बात करता है विटनेस को समन, सेक्शन 31 बात करता है जब व्यतिक्रम के लिए शास्ति, सेक्शन 33 बात करता है निर्णय और डिग्री, सेक्शन 34 इंटरेस्ट, सेक्शन 35 कोर्स, सेक्शन 35A जब मिथ्या और तंग करने वाले प्रतिकारात्मक रूप से बात, सेक्शन 35B बात करता है जब विलंब कारित करने के लिए खर्चे।